दोस्तों आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा अपलोड हो रहा है और एक बंदा जो है कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये वीडियो बनता कैसे है। तो लड़का बोल रहा है मैं आज ट्यूटोरियल देता हूँ, कल ट्यूटोरियल देता हूँ, लेकिन ट्यूटोरियल दे नहीं रहा है। और बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे, भाई तू ये वीडियो कैसे बनाता है मुझे बता। तो इस वीडियो को ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को किसी भी एप्लीकेशन से एडिट नहीं किया गया है, तो इस वीडियो को फिर बनाया कैसे गया वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए हमें एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, जो मोबाइल फ़ोन ऑन होना चाहिए। चलो मैं उसको मैं करके दिखाता हूँ फोन वीडियो को किस तरह से एडिट किया गया है। तो मैं बता देता हूँ लड़का ने वीडियो बनाया कैसे। तो सिंपल इसके लिए आपको करना है कि एक फ़ोन आपको चाहिए हो कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फ़ोन को टच को उतार रखा हूँ, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस तरह से उतार देना है, लेकिन ये आप लोग घर पर ट्राई ना करेंगे तो ही बढ़िया है, क्योंकि इसकी अगर ये ट्राई आप करते हैं तो आपको फ़ोन का डिस्प्ले जो है टूट भी सकता है। अगर थोड़ा सा भी आप गलती करेंगे तो डिस्प्ले आपका टूट जाएगा। तो यार मैंने गलती किया हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले भी थोड़ा ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। और यहाँ पे मैंने एक जियो फ़ोन का भी डिस्प्ले पे मैंने ट्राई किया था, तो ये डिस्प्ले जो है डिस्प्ले भी ख़राब हो चुका है। तो देख भी सकते हैं फ़ोन ऑन तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। ये तो हमारा ख़राब हो गया, तो इसे मैं हटा देता हूँ। इसके बाद मैंने इसको भी ट्राई किया था, तो मैंने कहा समझ में आ गया हमें कि हाँ कुछ इस तरह से वीडियो को बनाया गया है। इसके बाद मैंने दो तीन फ़ोन को देख सकते हैं यहाँ पर ट्राई मैंने किया हूँ, ठीक है। इसके बाद ये करना क्या है, सिंपल से इसको मैंने ओपन किया हूँ, इसको बैटरी भी रिमूव कर दिया हूँ। तो पहले मैं ओपन कर देता हूँ, सकते मैंने यहाँ पे बैटरी निकाल चुका हूँ। तो इस तरह से मैंने ओपन किया हूँ यहाँ का। तो मैंने इस SMD मशीन से टच को उतारा हूँ, तो आपको भी काफ़ी ध्यान से उतारना पड़ेगा। लेकिन आपके पास SMD मशीन अवेलेबल है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है। तो इसके बाद उतारने के बाद क्या होता है, जैसे कि मैंने एक ब्लेड लिया हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ब्लेड के नीचे से इस तरह से नीचे की तरफ लगाया, तो यहाँ पर देख सकते हैं पन्नी है। तो क्या होता है, इस पन्नी जो है बिल्कुल आसानी से उतर जाता है, लेकिन अगर गलती थोड़ा सा भी कीजिएगा आपका टच डिस्प्ले जो है यहाँ पे टूट सकता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से उतर रहा है, तो मैं उतार के दिखा देता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर मैंने यहाँ से पन्नी जो था ऊपर का उतार चुका। उतारने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पन्नी आपका बचा हुआ है, इस पन्नी को आपको क्या करना है, चश्मे हो तो चश्मे के ऊपर जो शीशे होते शीशे के ऊपर से ये लगा देना है। जैसे वो चिपकाइएगा और चिपकाने के बाद उसमें से टप फिर ऊपर आप किसी ग्लू 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 से भी चिपका सकते हैं, या फिर LP है तो LP से चिपका सकते हैं। मेरे पास तो ग्लू अवेलेबल है, देख सकते हैं, तो ग्लू से भी चिपका सकता हूँ साइड साइड से लगाकर, ठीक है। इसके बाद चिपकाने के बाद क्या करना है, जब ऐसे आप कुछ इस तरह से स्कैन कीजिएगा, ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका ये शीशा ये पन्नी होगा वहाँ वो आपका डिस्प्ले नीचे की तरफ दिख जाएगा, और बाकी के पार्ट जितने भी होगा वो आपको व्हाइट दिखेगा। तो इस तरह से उसने वीडियो बनाया, तो मैं आपको मेरे पास एक वीडियो भी अवेलेबल है, तो मैं आपको वीडियो भी वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले वो वीडियो देख लो। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देख लिया, कुछ इस तरह से ये वीडियो को बनाया गया था। लेकिन आप लोग ना ट्राई करेंगे तो सही है, क्योंकि इस तरह से ट्राई करेंगे तो आपके वीडियो जो आपका मोबाइल फ़ोन जो है ख़राब भी हो सकता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना। यार वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।